हेलो एवरीवन, आज के जो क्लास है हमारी वो है योग एंड अल्टरनेटिव थेरेपी फॉर डायबिटीज़। तो आज की क्लास में हम इतने सारे पॉइंट जो है ये डिस्कशन करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, कॉज ऑफ डायबिटीज़, साइन एंड सिम्टम्स, टाइप्स ऑफ डायबिटीज़, डायबिटीज़ टू डायग्नोसिस टेस्ट, नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड शुगर, थेरेपी फॉर डायबिटीज़, अल्टरनेटिव थेरेपी, योगा थेरेपी और डाइट प्लान। तो ये पॉइंट को जो है हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट IDF फिगर, IDF का जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन। ये बर्लिन में उपस्थित है। इसमें मैं आपको बता दूं कि लगभग 160 कंट्री जो है वो शामिल है, इसके अंदर आती है। और उनके अंदर जो भी डायबिटीज से रिलेटेड जो भी चीजें होती है, रिसर्च वगैरह होती है, या उनसे जो प्रोजेक्ट वगैरह बनते हैं उनसे रिलेटेड, तो वो सारी चीजों को जो है देखने का काम करती है। तो इनका कहना है कि देयर आर करेंटली 463 मिलियन पीपल लिविंग विद डायबिटीज। तो 463 मिलियन लोग जो है अभी डायबिटीज से ग्रसित है। और इनके अनुसार कहा जाता है कि 700 मिलियन लोग जो है वो 2045 तक जो है वो डायबिटिक हो जाएंगे। इस हिसाब से अगर हम देखें कि 2045 तक लगभग 75% लोग जो है वो डायबिटिक हो जाएंगे। तो अगर हम इसको प्रिकॉशन नहीं करते हैं इसका, तो आगे हम लोग को काफ़ी दिक्कत होने वाली है। एज ग्रुप के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि बिलो 50 ईयर जो है ये 16.9% जो है इतने लोग जो है डायबिटीज से इफेक्ट है। और 60 to 69 ईयर एज ग्रुप में जितने भी लोग आते हैं उनमें 18.6% लोग जो है वो डायबिटीज से ग्रसित है। 70 to 79 ईयर एज ग्रुप के जो लोग हैं उसमें 18.3% लोग जो है वो डायबिटीज से ग्रसित होते हैं। और जो 80 साल से ज़्यादा वाले लोग हैं 18.4 लोग वो लोग ग्रसित होते हैं। ज़्यादातर तो पहुँचते ही नहीं है 80 तक डायबिटीज़ में, लेकिन फिर भी अगर पहुँचते हैं तो 18.4 तक जो है वो लोग जो है इन्फेक्टेड हो जाते हैं। यस, इंडिया की अगर हम देखें तो 2% लोग जो है जो हर साल डायबिटीज से उनकी डेथ होती है। इसके अलावा डायबिटीज के होने के कारण उनको जो अलग दिक्कतें होती है, जो चीज़ वो अपनी इच्छा के अनुसार खा नहीं सकते हैं, या उनको अदर डिसीज भी जल्दी घेर लेती है, उनकी एज कम हो जाती है, वो सब अलग है। तो डायबिटीज जो है इसमें क्या होता है कि ब्लड शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और ये जो है एक मेटाबॉलिज्म रिलेटेड डिजीज है, चयापचय की बीमारी है। ये WHO के अकॉर्डिंग जो है, अकॉर्डिंग टू WHO हर 20वां व्यक्ति, every 20 person इज डायबिटिक इन इंडिया। हर 20वां व्यक्ति जो है वो डायबिटीज से ग्रसित है। इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री विद डायबिटिक पेशेंट। हमने यहाँ पे ऊपर फिगर देखा था, है ना। इसमें आपको बताता हूँ कि जैसे ये 20 साल से लेकर के तो 89 ईयर तक के लोग जो लोग हैं उनके ऊपर जो है एक रिसर्च हुई थी, 2019 का डाटा है ये। तो एक चित्र के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे चाइना जो है वो लगभग 125 मिलियन, ये जो आंकड़ा है ये मिलियन में है, तो 125 मिलियन लोग जो है वो डायबिटीज से ग्रसित थे 2019 में। इंडिया जो है सेकेंड नंबर पे था, है अभी भी, जो कि लगभग 75 मिलियन लोग जो है आज भी डायबिटीज से ग्रसित है। और अब तो 2020-21 चालू हो गया है तो ज़्यादा ही लोग ग्रसित हो जाएंगे। और हो सकता है कि रिसर्च की अगर हम देखें तो कुछ साल के बाद में जो है वो इंडिया चाइना को पछाड़ करके नंबर 1 पर डायबिटीज के मामले में, या डायबिटीज के पेशेंट के मामले में नंबर 1 पर आ जाएगा। देखते हैं हम कि इंटरनेशनल डायबिटीज डे जो है वो 14 नवंबर को हम लोग मनाते हैं। इसके अलावा जो फाउंडर ऑफ इंसुलिन है, इंसुलिन के जो जनक है वो फ्रेडरिक एंड चार्ल्स बेस्ट को जो है वो मानते हैं। इन्होंने 1922 में जो है वो इंसुलिन के बारे में सर्वप्रथम बताया था। मीनिंग देखते हैं हम डायबिटीज की, तो डायबिटीज जो है ये सर्वप्रथम आयुर्वेद में इसका मधुमेह के नाम से उपयोग किया गया है ना। इसे मधुवर्षिनी भी कहते हैं, इंग्लिश में हनी डेव या डायबिटीज भी कहते हैं। मधुमेह जो है ये दो शब्द से मिलके बना है, मधु प्लस मेह।
दोनों वर्ड को अगर मिला दे तो बन जाएगा मधुमेह। मधु का मतलब हनी, मेह का मतलब रेन। मधु के समान मूत्र विसर्जन करना, तो डायबिटीज या मधुमेह का मतलब क्या हुआ? अगर आपसे कोई पूछता है कि मीनिंग क्या है मधुमेह का, तो हम बताएंगे मधु के समान मूत्र विसर्जन करना, ये मधुमेह का मीनिंग है। उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि आज से लगभग 5,000 साल पहले वो आयुर्वेद में जो है मधुमेह के बारे में बता दिया गया था, लेकिन कुछ साल पहले हम अगर इतिहास उठा के देख ले, अगर लगभग 100 साल 150 साल पहले देखेंगे तो ज़्यादातर बहुत कम लोग को डायबिटीज़ थी, लेकिन आज जो है ये डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा फैल रही है। इतनी ज़्यादा फैल रही है कि अगर जैसा हमने आंकड़ा देखा कि 2045 तक जो है लगभग 75% लोग जो है इससे ग्रसित हो जाएंगे। क्या कारण है इसका? तो हम कारण जानते हैं। सबसे पहला कारण है इसका हेरिडिटी। 85% लोग जो है वो जन्मजात उनको जो है डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं। जैसे कि दादा को है तो पापा को भी हो सकती है, पापा को है तो उनके बेटे को भी हो सकती है, बेटे है तो फिर उनके भी बेटे को हो सकती है। तो 85% चांस जो है वो हेरिडिटी का होता है। इसके अलावा कुछ चीजें हैं, जैसे अगर उसका वजन बढ़ रहा है, वो ओबिसिटी के अंतर्गत आ रहा है अपना, है तो ऐसी कंडीशन में भी जो है उसको डायबिटीज होने के चांसेस हैं। इसके अलावा जिन लोग का प्रोफेशन जो है वो सेडिमेंट्री लाइफस्टाइल की तरह होता है, लाइक क्लर्क, शॉपकीपर, ऑफिसर्स, जिनका सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ काम होता है बैठ बैठ के काम करना, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि उनकी बॉडी एक्टिविटी नहीं हो पाती है ना, वो ओबिसिटी के पेशेंट भी हो सकते हैं, और अगर ओबिसिटी के पेशेंट नहीं भी होते हैं तो वो डायबिटीज से ग्रसित हो सकते हैं। हम डाइट के बारे में बात करें तो ऐसे लोग जो ज्यादा शुगर का यूज करते हैं, फ्लोर, आटा, इसके अलावा राइस, कॉन्सेंट्रेटेड कार्बोहाइड्रेट या घी, पैक्ड फूड, सेचुरेटेड फैट या चॉकलेट्स एट्सेट्रा, है ना। तो ये जो ज्यादातर जो हम दुकान से सामान लाते हैं, बासा चीज लाते हैं, ठीक है, या जो हम नेचुरल शुगर यूज नहीं करते हैं, ठीक है, और फैक्ट्री का बना हुआ वाइट शुगर चीनी यूज करते हैं, तो उस कंडीशन में भी जो है हमारे कई परसेंट कारण जो है वो बढ़ जाते हैं कि हमको डायबिटीज होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहे हैं तो भी डायबिटीज जो है होना आपको स्वाभाविक है। इसके अलावा एज, एज बेसिकली यहाँ पर बताया गया है कि 40 साल से लेकर के 70 साल के जो लोग हैं इनमें डायबिटीज होने का जो है ज्यादातर खतरा रहता है, लेकिन आज के समय में जो है ये एज 40 जो है ये लाइफस्टाइल बेकार होने के कारण ये लगभग आप 25-22 पकड़ लीजिए। आजकल कई सारे ऐसे लोग हैं जो 25 साल की एज में, 26 साल की एज में जो है वो डायबिटीज से ग्रसित हो चुके हैं। जेंडर के अकॉर्डिंग, जेंडर में अगर हम देखें तो फीमेल की अपेक्षा जो है ना वो मेल को जो है वो ज्यादा डायबिटीज होती है। बहुत ज्यादा इसका अंतर नहीं है, 18.7 जो है वो मेल में डायबिटीज होती है और 17.1 जो है ये फीमेल में जो है वो डायबिटीज होती है। तो कुछ ही परसेंट कम है लेकिन फिर भी काफी ज्यादा हाई है। नेक्स्ट हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि साइन एंड सिम्टम्स होता क्या है ना, क्या डिफरेंस है दोनों में। एक वर्ड है साइन और दूसरा है सिम्टम्स। तो सिम्टम्स का मतलब होता है लक्षण, है ना, जो लक्षण रोगी को दिखते हैं अपने अंदर और वो जो डॉक्टर को बताता है ना कि सर मेरे अंदर जो है ये चीज, मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसा लगा था परसों के दिन, मुझे इस तरह की चीजें हुई थी। तो जो पेशेंट होता है वो जो डॉक्टर को दिखाता है ना, तो वो सिम्टम्स बताता है, लक्षण बताता है अपने शरीर में, है ना, और फिर डॉक्टर जो है वो साइन करता है उसको, मतलब पहचानता है ना कि क्या हुआ था तुम्हारे बॉडी में, अच्छा ये चीज हुई थी, ये चीज हुई थी, तुम्हारा ये प्रॉब्लम थी, अच्छा तुमको डायबिटीज जो है वो हो सकती है। तो ये साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? तो पहला जो है, फर्स्ट है लेट रिकवरी ऑफ वोंड, मतलब जो भी आपके घाव हैं है ना, शरीर के जो भी घाव है वो देरी से भरते हैं। एक्सेस ऑफ हंगर एंड थ्रस्ट, बहुत ज्यादा आपको बार बार भूख लगती है और प्यास लगती है। इसके अलावा ग्रेविटी ऑफ यूरिन इंक्रीज्ड, जो यूरिन की जो ग्रेविटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, वो उसमें जो है शुगर की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसी कंडीशन में जब खुले में अगर कोई डायबिटिक पेशेंट अगर मान लो शौच कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में उनके
मुद्रा करने के बाद में जो है उसके ऊपर चींटियाँ लग सकती हैं। ऐसी रोगियों को जो है स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है, वीकनेस आ जाती है, स्मेल फ्रॉम यूरिन है ना, बाथरूम से स्मेल आने लगती है उनके, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, एक्सेसिव स्वेटिंग होती है जहाँ बहुत ज़्यादा पसीना आता है उनको। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम। यस, डायबिटीज़ जो है ये दो टाइप्स की बताई गई है। टाइप 1, इसको जो है हम डायबिटीज़ इंसुलिन भी कहते हैं और जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहते हैं। ये सिर्फ 5% लोग को होती है और ज़्यादातर ये जो है ये बच्चों में देखी जाती है। और इसका जो मेन सबसे बड़ा कारण होता है कि ये जेनेटिकली होती है ना। और अगर माँ बाप को है तो बच्चों को होने के चांसेस है, अगर माँ बाप को नहीं भी है तो बच्चे को जो है ऑटोमेटिकली जो है डायबिटीज़ देखने को ये मिलती है। टाइप 2 जो है इसका वो है मैच्योरिटी ऑनसेट, इसको हम डायबिटीज़ मलाइटस भी कहते हैं है ना। तो इसमें जो है डायबिटीज़ के जो है 95% केसेस जो है वो देखे जाते हैं। ये ज़्यादातर ओल्ड एज में होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि 40 साल से लेकर 70 साल तक है, लेकिन आज के टाइम पे जो है वो 22-25 साल से ही जो है डायबिटीज़ होना शुरू हो जाती है। तो और इसका जो मेन कारण होता है सेडिमेंट्री लाइफ स्टाइल, स्ट्रेस, मच यूज़ ऑफ स्वीट्स है ना, इस तरह से जो चीज़ें हैं उनको करने से जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ के चांसेस जो है वो हमारे इसमें बढ़ जाते हैं। यस, डायबिटीज़ 2 डायग्नोसिस टेस्ट, ये कुछ टेस्ट है जिसके माध्यम से जो है वो हम डायबिटीज़ को आराम से पता कर सकते हैं कि हाँ हमारे अंदर डायबिटीज़ है कि नहीं है। तो पहला है आपका A1C टेस्ट, ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट, फिर है फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज, FPG टेस्ट भी कहते हैं इसको, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट OGTT, रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज RPG टेस्ट। इसके अलावा भी कई सारे टेस्ट होते हैं, कई लोग यूरिन के माध्यम से टेस्ट करते हैं, कुछ लोग ग्लूकोज स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, या तो फिर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट वगैरह है ना। तो इस तरह से बहुत सारे टेस्ट होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ टेस्ट के बारे में देखा। ये डायबिटीज़ 2 को चेक करने के लिए है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। तो इसमें देखिए ये डायग्नोसिस बताया कि नॉर्मल रेंज है, ये प्री डायबिटीज़ है, आपको स्टार्टिंग चांस है आपके डायबिटीज़ के, और डायबिटीज़ है ना अगर आपको हो चुकी है। तो अगर आप ये वाला टेस्ट कराते हैं, मान लो A1C टेस्ट, तो इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो है 5.7, और जो प्री डायबिटीज़ वाला है वो 5.7 से लेकर 6.4 तक है। अगर 6.5 से अगर ऊपर जाता है तो बच्चा जो है 100% या वो व्यक्ति जो है वो 100% जो है वो डायबिटीज़ से ग्रसित है। इसी तरह से ये फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज, इसमें भी जो है इस तरह से आंकड़ा दिया हुआ है, 99 तक उसको नहीं है, 100 से लेके जो है 125 तक जो है वो प्री डायबिटीज़ में आ गया, 126 के ऊपर वो डायबिटीज़ उसको घोषित कर दी जाती है। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में भी सेम ऐसे ही है, 139 इसमें रेंज देखी जाती है, 140 से लेके 199 तक जो है वो प्री डायबिटीज़ में आता है, और जो 200 के ऊपर जो है वो अगर आ जाता है फॉर एग्जाम्पल रेंज, तो हम उसको डायबिटीज़ घोषित कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो है इसमें भी जो है 200 के ऊपर अगर सेम कंडीशन है, 200 के ऊपर अगर आ जाता है तो हम उसको डायबिटीज़ जो है वो घोषित कर देते हैं। नेक्स्ट, नॉर्मल रेंज जैसे कि हमने ऊपर देखी, फास्टिंग के दौरान जो है वो अलग काउंट होती है और खाना खाने के बाद जो है वो अलग काउंट होती है। ठीक है, तो फास्टिंग के दौरान जो है वो 70 से लेके 100 mg/dL ब्लड होता है। MGDL का मतलब होता है मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, और आफ्टर फूड के बाद में जो है वो 100 से लेके 125 mg/dL ब्लड जो है वो देखा जाता है, अगर इससे ऊपर अगर जा रहा है तो वो व्यक्ति जो है वो डायबिटीज की कंडीशन में जो है वो आता है। और इसमें पेनक्रियाज के बारे में बताया गया है कि व्हेन द पेनक्रियाज स्लो और स्टॉप द सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन देन शुगर लेवल इन ब्लड इज इंक्रीज्ड। जो हमारा पेनक्रियाज होता है वो इंसुलिन का जो सिक्रेशन है वो कम कर देता है। जब इंसुलिन का सिक्रेशन हमारा पेनक्रियाज जो है वो कम कर देता है, जिसके कारण से हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में जो है ये रोग जो है हमें उत्पन्न होता है। पेनक्रियाज जो है एक पिंक ग्रे कलर का होता है, जो 5 से 6 इंच की एक ग्लैंड है, जिसका स्थान जो है विच इज लोकेट बिलो द स्टोमक जस्ट लेफ्ट नेवल, नेवल के जस्ट लेफ्ट की तरफ जो है वो होता है। मैंने इसका डायग्राम आपको स्टार्टिंग फर्स्ट नंबर की स्लाइड में दिखाया था। यस, इसमें जो है
इन विच 20% अल्फा सेल, 75% बीटा सेल एंड 5% प्लाज्मा सेल प्रेजेंट होती है। और जो बीटा सेल होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन हार्मोन्स, इंसुलिन को सिक्रेशन करने के लिए जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, और यही जो है हमारे ब्लड शुगर लेवल को क्या करती है, मेंटेन करने का काम करती है। थेरेपी फॉर डायबिटीज, तो सबसे पहले हम देखते हैं मॉडर्न मेडिसिन। बहुत सारी मेडिसिन है तो उनमें से मैंने कुछ मेडिसिन के नाम जो है यहाँ पे, बढ़िया बढ़िया मेडिसिन के नाम जो है वो नाम नोट करके लिखा हूँ, अगर आप मेडिसिन लेना चाहते हो तो इसमें से ले सकते हैं। इसके अलावा जो है जो इंसुलिन इंजेक्शन होते हैं वो टाइप 1 डायबिटीज़ वालों के लिए होता है, जो बच्चा होता है उसकी बॉडी में जो है बिल्कुल इंसुलिन नहीं होता है, तो इंजेक्शन के माध्यम से जो है उनकी बॉडी में डायरेक्ट जो है वो इंसुलिन जो है वो दिया जाता है, ठीक है। दूसरा जो है वो थर्ड नंबर का जो है हमारा इंसुलिन पंप है, पंप के माध्यम से जो है वो इंसुलिन को जो है वो बढ़ाया जाता है, तो ये भी एक तरीका होता है। और नेक्स्ट है इंसुलिन इनहेलर, ये इंसुलिन इनहेलर की जो है फोटो आप देख रहे हैं, इसको डायरेक्ट जो है वो लेते हैं और ये हमारे ब्लड में जाके मिलती है, तो ग्लूकोज का जो लेवल होता है ब्लड का वो इमिजिएटली जो है वो कम हो जाता है। इंसुलिन ट्रांसप्लांट जो है ये डॉक्टर जेम्स फ्रॉम अल्बर्ट यूनिवर्सिटी में इन्होंने बताया था कि इंसुलिन को हम ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं, बट इसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि ऑलरेडी जो है ऐसे व्यक्ति का अगर हम ऑपरेशन करते हैं तो घाव जल्दी नहीं भरते हैं और उस कंडीशन में जो है बड़ी दिक्कत जाती है। कुछ अल्टरनेटिव थेरेपी है ना जो डायबिटीज़ में बहुत बढ़िया काम करती हैं, ठीक है। जिसमें है सबसे पहले नंबर पे प्राणिक हीलिंग, हील द सोलर चक्रा। इसमें भावना के माध्यम से पूरी बॉडी को जो है हील किया जाता है, पूरे चक्रों को हील किया जाता है और व्यक्ति को जो है वो उसकी डायबिटीज़ को जो है मेंटेन करने में काफ़ी मदद करती है। दूसरा जो है मर्म थेरेपी, मर्म थेरेपी में जो है इंद्रवस्थि, तल हृदय मर्म, इस तरह के जो मर्म पॉइंट होते हैं उनको लगातार प्रेस करने से जो है वो डायबिटीज़ को जो है वो मेंटेन किया जाता है। एक्यूप्रेशर के माध्यम से, ये यहाँ पर आप एक्यूप्रेशर सुजोग के सुजोग वाला एक्यूप्रेशर है, इसके माध्यम से जो भी है हम पॉइंट लगा करके जो है वो डायबिटीज़ को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। यज्ञोपैथी के माध्यम से हम कर सकते हैं, सिद्धा के माध्यम से जो है आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की तरह होता है उसकी तरह भी हम उसको कर सकते हैं। रेकी जो है जो ऑयल मसाज ये सब सारी चीज़ें होती है इसमें, इसके माध्यम भी हम कर सकते हैं और एरोमा के माध्यम से भी हम जो है डायबिटीज़ को कवर कर सकते हैं। इसके अलावा और अल्टरनेटिव थेरेपी में हम नेचुरोपैथी को देखते हैं, तो नेचुरोपैथी में जो है हमारा एब्डोमिनल मड पेक, ये आप देख रहे हैं है ना, एब्डोमिनल मड पेक, इस तरह से मिट्टी जो है ऊपर लगाई जाती है, चिकित्सा में काफ़ी मदद करती है हमारा। इसके अलावा हॉट एंड कोल्ड हाइड्रोथेरेपी, ये देख रहे हैं आप है ना, इस तरह से उसको बाथ में लिटा करके और उसको ठंडे और गर्म पानी का जो है वो देते हैं। इसके अलावा जो है वो स्पाइन देते हैं हाइड्रोथेरेपी का, उसके अलावा मसाज देते हैं, एनिमा देते हैं ऐसे लोगों को, एनस के माध्यम से जो है कैथेटर के माध्यम से एनिमा प्रोवाइड किया जाता है। उसके अलावा हॉट फूड बाथ दिया जाता है ऐसे व्यक्ति को, फिर इमर्शन बाथ दिया जाता है, और डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनसे कहा जाता है कि आपको मॉर्निंग वॉक जरूर करना है, कम से कम 4 से 5 किलोमीटर पर डे। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी हमारे लिए है, जिसमें से हमने जो है उसको बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज किया है, पूरी रिसर्च करके और एक एक चीज़ों को जो है बढ़िया से कलेक्ट करके और सब कुछ सिस्टमेटिकली है। अगर आप इस चार्ट को 3 महीने अगर फॉलो करते हैं तो मेरी गारंटी है आप लोग से कि आपकी कितनी भी बढ़ी हुई डायबिटीज़ है ये मेंटेन रहेगी, और आप बीच बीच में जो है अपने मनपसंद की चीज़ भी जो है वो खा सकते हैं, लेकिन वो कैसे खाएंगे मैं नेक्स्ट वाली स्लाइड में बताऊंगा, पहले हम इसको समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे जो है वो देख रहे हैं हम यहाँ पे क्रिया है ना, तो क्रिया में जो है हम उनको जलनेति करवाते हैं, वमन करवाते हैं, अग्निसार प्लस नौली और लघु संघ प्रक्षालन जो है वो महीने में 4 बार या तो फिर हफ्ते में 1 बार हम उसको करवाते हैं, ठीक है। तो कोई भी अच्छा व्यक्ति हो जो उसका प्रोफेशनल हो तो उन्हीं से के सामने जो है इसका अभ्यास करना चाहिए, लघु संघ प्रक्षालन का। ये सारी क्रिया जो है हमको 15 मिनट में खत्म करनी होती है। जलनिधि में दोनों तरफ की नाक से आधा आधा लीटर कोशिश करें कि
पानी को जो है बाहर की तरफ निकालें। फिर हम जब क्लासेस शुरू करते हैं अपनी योगा क्लासेस, तो जो प्रेयर होती है, प्रेयर में सबसे पहले ओम चैंटिंग करते हैं 2 मिनट तक जो है उसमें हमको प्रेयर करना है। और उसके बाद में पहला आसन, सिस्टमेटिकली आसन मैं यहाँ सेट किया हूँ, पूरे वन बाय वन जो है हमको यहाँ पे आसन करना है, जिसमें सबसे पहला आसन जो है वो है ताड़ासन। ये आपको 5 टाइम करना है 2 मिनट के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड की, जो है योग थेरेपी की। डायबिटिक पेशेंट को हम क्या क्रिया देंगे, क्या आसन करवाएंगे, क्या प्राणायाम करवाएंगे, मेडिटेशन किस तरह से कराएंगे, तो इस तरह ये सारी चीज़ें जो है वो हम इस टेबल में देखेंगे। ये टेबल जो है बहुत ही साइंटिफिकली बनाई गई है, प्रॉपर रिसर्च के अनुसार ऑलरेडी इस पर रिसर्च की गई है ना। तो ऐसे व्यक्ति जो डायबिटीज से ग्रसित हैं, अगर वो इसका अभ्यास करते हैं कम से कम 3 महीने, तो 101% जो है उनकी कितनी भी बढ़ी हुई डायबिटीज़ होगा, जितनी भी बढ़ी हुई शुगर लेवल होगा, वो सारा का सारा जो है वो कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। तो क्रिया में जो है वो हम कराते हैं जल नीति, जल नीति सबसे पहले कराते हैं। और उसके बाद में जो है पर एक एक नाक से जो है उसको 500 ml डालने के लिए कहते हैं वाटर को। उसके बाद में वमन, वमन जो है वो हफ्ते में जो है 2 बार करा सकते हैं हम, 3 बार करा सकते हैं। उसके बाद में फिर अग्निसार और नौली, इसका अभ्यास हम 3 3 मिनट करवाते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट, ठीक है। उसके बाद में फिर हम करवाते हैं लघु संघ प्रक्षालन। लघु संघ प्रक्षालन जो है वो हम हफ्ते में 1 बार कराते हैं, और अगर हफ्ते में 1 बार नहीं हो सकता तो 15 दिन में 1 बार तो कम से कम कर ही लें, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के लिए जो है वो अगर हम 2 क्रिया इसमें छोड़ दें, वमन को और लघु संघ प्रक्षालन को, तो ये हमारे 15 मिनट में जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। बाकी एक संडे का दिन जिस दिन आप फ्री हो, उस दिन जो है आप वमन को और लघु संघ प्रक्षालन को जो है अपने अभ्यास में शामिल कर सकते हो। इसके बाद में हम योग की जो है वो क्लास शुरू करते हैं, तो सबसे पहले जो है वो प्रेयर करते हैं। प्रेयर में हम 3 टाइम्स ओम चैंटिंग करते हैं, लंबी गहरी सांस लेके 3 टाइम्स ओम का उच्चारण करते हैं। ये क्रिया हमारी जो है वो 2 मिनट में खत्म हो जानी चाहिए। उसके बाद में सबसे पहले नंबर पे हम ताड़ासन करेंगे 5 टाइम्स, 2 मिनट में हम उसको भी खत्म करेंगे। उसके बाद में तिर्यक ताड़ासन 4 4 टाइम करेंगे, लेफ्ट से 4 टाइम, राइट साइड झुक झुक के 4 टाइम, इसे भी 2 मिनट में खत्म करना है। कटी चक्रासन को जो है वो हम 20 सेकेंड तक थोड़ा फास्ट करेंगे, 20 सेकेंड हो रेस्ट करेंगे, और 20 सेकेंड में जो है वो दूसरी क्रिया करेंगे। तो 1 मिनट में जो है कटी चक्रासन भी हमें खत्म करना है। फिर है हमारा सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार जो है वो 3 राउंड से लेकर के 5 राउंड तक जो है इसके बीच में हम करेंगे, जितनी भी हमारी क्षमता है उसके अनुसार हम सूर्य नमस्कार करेंगे। ये हमारे 5 मिनट के अंदर जो है वो ब्रीदिंग के अनुसार खत्म हो जाएगा। पश्चिमोत्तानासन 2 बार करेंगे हम, धनुरासन 2 टाइम्स करेंगे, भुजंगासन 2 टाइम, वक्रासन 2 2 बार करेंगे एक एक तरफ से करने के बाद में, हलासन करेंगे हम 1 टाइम 30 सेकेंड होल्ड करते हुए, मत्स्येन्द्रासन करेंगे। मत्स्येन्द्रासन को जो है हमने 2 2 बार की रखा हुआ है, और यहाँ पर वक्रासन को भी रखा हुआ है। तो ये कुछ आसन ऐसे हैं, मंडूकासन है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, स्पेशल डायबिटीज़ के लिए है, तो इनका अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करें, इनमें कंजूसी ना करें। इसके बाद में उदर संचलनासन है, 1 मिनट तक हमको करना है अल्टरनेट। शवासन जो है 10 मिनट का शवासन में रेस्ट करना है हमको। प्राणायाम जो है वो भ्रस्ति का प्राणायाम करना है, अनुलोम विलोम करना है, भ्रामरी प्राणायाम करना है। तो इस तरह से जो है ये टाइमिंग हमने इसमें बांट रखा है। इसके अलावा मेडिटेशन जो है, साउंड का जो नेचर है, यूट्यूब पे आप कोई भी नेचर साउंड करके म्यूजिक लगा लीजिए और उसको ऑन करके जो है उस पे जो है फोकस करिए 3 मिनट तक कम से कम। अगर आप इसको ज़्यादा टाइम देते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में आप शांति पाठ के माध्यम से अपनी क्लास को ख़त्म कर दें। ओम शांति शांति शांति, आप सिंपल भी कर सकते हो अगर आपको पूरा शांति पाठ आता है। ओम भद्रम कर्णे भी सुरणयाम देवा, भद्रम पश्ये मातृ भिर्जत्राः, स्थिरे रंगे स्तुष्ट्वा गुं सहस्त्रनो भी वसेयितं देवि तमेदायुः। तो इस तरह से ओम शांति शांति करके भी जो है हम लास्ट में क्लास को ख़त्म कर सकते हैं। एक चीज़ का जो है हमको स्पेशल ध्यान देना है, मैंने सबसे नीचे यहाँ पे जो है वो प्रिकॉशन लिखा हूँ कि अगर आपको हाइपरटेंशन या हार्ट डिजीज अगर है, तो आपको
ये अभ्यास नहीं करने हैं आपको। सबसे पहले जो है वो अपनी हाइपरटेंशन की जो समस्या है वो ख़त्म करनी होगी। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि ये सिर्फ जो है जिन लोग को डायबिटीज़ है उन्हीं लोग को इसका अभ्यास करना है, अदर पेशेंट को इनका अभ्यास नहीं करना है। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो डायबिटीज़ के साथ में उसकी और कोई समस्या भी है तो वो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसको जवाब दूंगा कि हाँ आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। या उसके लिए जो अलग जिनको डायबिटीज़ के साथ में हाइपरटेंशन भी है ना, तो इस तरह के लोगों के लिए जो है हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए जो है ये हमारी जो टेबल है इसका अभ्यास आपने समझ लिया है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं, डाइट प्लान है ना। तो एक डाइट चार्ट हमने जो है ये तैयार किया हुआ है पूरा साइंटिफिक स्पेशली डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए। तो सुबह अगर वो जल्दी उठ रहा है ना, या सुबह उसको जल्दी उठने की आदत है तो अच्छी बात है। अब वो कोशिश करे कि वो जूस वगैरह पिए है ना, तो लेमन जूस वगैरह पी सकता है ना, पानी वगैरह पिए अगर जूस नहीं ले रहा है वो, तो ठीक है एक गिलास गुनगुना पानी पिए ठीक है, और दो गार्लिक वगैरह के छोटे छोटे टुकड़े अगर खा ले तो ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। 6:30 के आसपास जो है जब उसका ब्रेकफास्ट वगैरह का टाइम वगैरह होता है ना, तो वो थोड़ा बहुत सलाद या स्प्राउट्स वगैरह जो होते हैं अंकुरित अनाज जो है वो ले सकता है। 8:30 के आसपास बाद में फिर वो जो है जूस वगैरह ले सकता है, 125 ml के समथिंग है ना, स्पिंच ले सकता है, टमाटर ले सकता है, कुकुम्बर ले सकता है, इन सब चीज़ों के ले सकता है। बिटर गार्ड का जूस जैसे मैंने बताया 125 ml, बिटर गार्ड का मतलब होता है आपका करेला, करेले का जूस आपको लेना है। स्पिंच मतलब जो है आपका पालक हो गया, कुकुम्बर मतलब आपका खीरा हो गया। तो ये इनका जूस अगर आपको मिल रहा है या सिंपल अगर कच्चे भी मिल रहा है तब भी आप ले सकते हो ठीक है। टमाटो वगैरह भी का सूप वगैरह आप ले सकते हो, क्योंकि देखो डायबिटीज़ का जो पेशेंट होता है उसमें हमको बार बार भूख लगती है, तो उनको हमको बार बार जो है थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ करके देते रहना है। 11:30 पे जो है वो ग्रीन्स, स्वीट, जोई, सोयाबीन, बॉइल्ड वेजिटेबल, 500 ग्राम कर्ड, तो इस तरह से हमने उसका डाइट प्लान चार्ट किया हुआ है। 2 बजे के आसपास वो क्या काम करेगा कि जो जामुन की गुठली का जो चूर्ण होता है उसको पानी में घोल करके गुनगुने पानी में और उसको पी लेगा वो। 4:30 बजे जो है उसको फिर सीजनल फ्रूट्स जो होते हैं जो भी उस मौसम में जो भी फल फूल निकल रहे हैं उसको उसका जो जूस है, या तो फिर अगर वो सिंपल भी लेना चाहता है ना कच्चा खाना चाहता है तो उसे भी वो खा सकता है 200 से लेके 400 ग्राम तक। 7:30 बजे शाम में जो इवनिंग का जो टाइम है उसमें उसको फ्रूट्स देंगे हम, सलाद देंगे, बॉइल्ड वेजिटेबल्स देंगे ठीक है। तो ये सबसे बढ़िया इनके लिए जो है रहेगा। उसके साथ साथ जो है उनको क्या चीज़ नहीं लेना है, डोंट, उनको चाय नहीं पीना है डायबिटीज़ के पेशेंट को, कॉफ़ी नहीं पीना है, शुगर का यूज़ नहीं करना है, रेड चिली बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी है, बिल्कुल ज़रूरत के हिसाब से बहुत कम। अगर उसकी जगह पे आप ग्रीन चिली ले ले तो वो थोड़ा बेटर रहेगा। फ्राइड फूड आपको बिल्कुल नहीं लेना है, पैक्ड फूड आपको बिल्कुल नहीं खाना है, आपको राइस भी नहीं लेना है, आपको पोटैटो भी नहीं लेना है, कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड जो फूड्स होते हैं उनको भी आपको बिल्कुल जो है वो ग्रहण नहीं करना है। इसमें इसके अलावा आप वो चीज़ जो आप डेली लेते हो आप वो ले सकते हो है ना, लेकिन यहाँ पे मैंने जो चीज़ कहा है कि इनको नहीं लेना है तो आपको नहीं लेना है। इसके साथ साथ जो है आपको डाइट प्लान को फॉलो करते हुए घर पर ही रह के जो आपको योगाभ्यास हमने बताया है उसको आप साथ में फॉलो करें। जब दोनों चीज़ों को आप साथ में फॉलो करोगे तो 101% जो है आपकी डायबिटीज़ जो है वो केयर हो जाएगा उसका, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।